So I'll take one example based on coefficient. As I told you, coefficient means जो भी term के बारे में पूछ रहे हैं उसको छोड़ के rest of the number, including sign. ठीक है? First example है identify the terms their coefficients for each of the following expression. बहुत ही सिस्टमेटिक हम इस एग्जाम्पल को करेंगे. फर्स्ट इज 7x² yz - 5xy. ठीक है, एक्सप्रेशन है इस तरह से. नाउ दे आर आस्किंग आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो फर्स्ट वी लाइक द टर्म्स. यहां पर टर्म्स क्या है? टर्म्स, पहला टर्म क्या है? 7x² yz. एंड सेकेंड टर्म क्या है? -5xy. ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट. नाउ दे आर आस्किंग देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है इस जो भी क्वेश्चन है इसकी टर्म का कोएफिशिएंट. उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा कि x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट या z का कोएफिशिएंट. जो भी टर्म है, आइडेंटिफाई द टर्म. तो हमने टर्म आइडेंटिफाई कर ली कि देयर आर टू टर्म्स. अब इस टर्म का मुझे कोएफिशिएंट पता करना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? टर्म मीन्स यहाँ पर आप सारे वेरिएबल जो है उसको छोड़ के आपका कोएफिशिएंट होगा विच इज 7. वाई ये हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट. और ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स. टर्म्स हमने लिख दी. अब टर्म का हमने कोएफिशिएंट बताया. यहाँ पर हमसे स्पेसिफिकली अगर पूछा होता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, तो हम z को छोड़ के ये बाकी आंसर लिख देते. लेट्स से अगर वो हमसे y का कोएफिशिएंट पूछते तो हम y को छोड़ देते और बाकी सारा लिख देते. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशनड एनी वेरिएबल और स्पेसिफिक टर्म. दे हैव क्लियरली सेड आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो हमने पहले क्या करा? टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया. एंड उसके बाद अब हम उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे. तो अभी इस एग्जाम्पल में कोएफिशिएंट क्या होगा? इनको छोड़ के. तो हमारा कोएफिशिएंट होगा -5. ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. सेकेंड है x² + x + 1. हम टर्म लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज x², सेकेंड इज x, थर्ड इज 1. x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. जब यहां कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 × x². सिमिलरली यहां 1x है और ये तो 1 है ही. सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट में क्या होगा? 1. एंड थर्ड का भी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. बाय चांस यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. और यहाँ कोई वेरिएबल या कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा था, तो हमने पहले टर्म डिसाइड कर ली. इसमें तीन टर्म है इस एक्सप्रेशन में. फर्स्ट इज x², सेकेंड इज x एंड थर्ड इज 1. उन टर्म के अकॉर्डिंग हमने उनके क्या लिख दिया? कोएफिशिएंट लिख दिए. ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है 3x² y² -5x² y² z² एंड थर्ड टर्म इज z². सबसे पहले इसमें टर्म क्या है? तो हम टर्म्स लिख देंगे. इधर हम कोएफिशिएंट लिखेंगे. ठीक है, टर्म्स फर्स्ट है 3x² y², सेकेंड टर्म है -5x² y² z² -5 या कुछ नंबर नहीं दिया होता तो हम 1 कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ. एंड थर्ड टर्म है z². अब हम यहाँ जब कोफिशियंट लिखेंगे और कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है तो हम सारे वेरिएबल यानी सारी टर्म को छोड़ के जो भी नंबर है, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म का 3, सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा? -5. थर्ड टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे उसके आगे, तो थर्ड टर्म का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 1. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है. हमको क्या करना है? टर्म एंड कोएफिशिएंट को सेपरेटली लिखना है. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 9 -ab
प्लस बी सी माइनस सी ए। अगेन हम क्या करेंगे, टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज 9, यहां पर हम लिख लेते हैं टर्म्स, और यहां पर आपका आएगा कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट टर्म इज 9, सेकेंड इज माइनस ए बी, थर्ड इज बी सी, फोर्थ इज माइनस सी ए। 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, मींस 1 होगा। एंड एज आई टोल्ड यू, साइन भी जो है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो इन दिस केस माइनस ए बी मीन्स क्या है, माइनस 1 इंटू ए बी, तो ए बी को छोड़ के हमने क्या लिया, माइनस 1। सिमिलरली अब बी सी है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। माइनस सी ए है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस 1। 1 कुछ भी नहीं है तो 1 तो लेना ही है, और साइन जो है वो भी लेना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका फोर्थ पार्ट। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इससे आपकी कोएफिशिएंट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। अगर हमें स्पेसिफिकली कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोला है तो हम उसे छोड़ के बाकी सारा नंबर जो भी दिया हुआ है ले लेंगे, बट यहां पर उन्होंने टर्म के कोएफिशिएंट बोले हैं। ए बाय टू प्लस बी बाय टू माइनस ए बी, सेम वही प्रोसीजर, हम टर्म्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज ए बाय टू, सेकेंड टर्म इज बी बाय टू, थर्ड टर्म इज माइनस ए बी। ए बाय टू है, इसको आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो इसको हम ए इंटू 1 बाय टू भी समझ सकते हैं, ठीक है। ए इंटू 1 बाय टू मीन्स ए बाय टू बोले चाहे हम ए इंटू 1 बाय टू, तो कोफिशियंट क्या हुआ, 1 बाय टू, बिकॉज ए को हमने छोड़ दिया। सिमिलरली बी इंटू 1 बाय टू के इक्वलेंट है ये, और लगा देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आइदर दिस और दिस बोथ आर सेम टर्म। यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 1 बाय टू, इसको आप चाहें तो माइनस 1 इंटू ए बी, जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। तो ए बी का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1, ठीक है। तो सिंपली हमने इस टर्म के कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए, फर्स्ट का है 1 बाय टू, सेकेंड का भी 1 बाय टू, दोनों प्लस है, एंड थर्ड का कोएफिशिएंट है माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज 0.,, इसे मैं रब कर देती हूं, आप नोट डाउन कर लें, 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y। सबसे पहले हम टर्म्स लिखेंगे एंड देन विल फाइंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म इज 0.2x, सेकेंड टर्म इज 0.3xy एंड थर्ड टर्म इज प्लस 0.5y। प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाउ विल फाइंड द कोएफिशिएंट, टर्म को छोड़ के कोएफिशिएंट, तो क्या होगा आपका 0.2, राइट। सेकेंड में क्या होगा कोएफिशिएंट, यस माइनस 0.3। थर्ड में क्या होगा कोएफिशिएंट, 0.5, ठीक है। विद साइन लेते हैं तो हमने विद साइन लिया, जो भी वेरिएबल या टर्म है उसको छोड़ के हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट। नाउ सेकेंड इज